हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब्स आवर चैनल। जॉब्स आवर चैनल आपका स्वागत है एंड आई होप आप सब ठीक होंगे एंड घर पर सुरक्षित होंगे एंड COVID-19 से अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन आपने करके रखी होगी। तो ये ऑन डिमांड वीडियो है। आप सब लोगों ने बहुत सारे मुझे मेल करे एंड कमेंट बॉक्स में लिखा कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जाननी है, यानी कि 1 मंथ की, 2 मंथ की, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं DDA के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, और आप फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने कुछ आपके लिए आर्टिकल बनाया है और जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं कर रखा तो, एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के टॉपिक यहाँ पे ये सबके लिए है। अगर हम प्रीलिम्स के टॉपिक देखें तो आपके GA ज्यादातर सब में है, ठीक है, चाहे पटवारी हो वो, चाहे वो आपका स्टेनो हो, चाहे वो आपका माली हो एंड चाहे वो आपका JSA हो, ठीक है। एंड अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वो सुनिए मेरी बात कि देखिए, कोई भी एग्जाम होता है इंडिया में या फिर स्टेट लेवल पे, तो ज्यादातर उसमें यही सिलेबस होता है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। टेक्निकल लाइन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी नॉन टेक्निकल लाइन की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बीटेक की बात नहीं कर रहा मैं। तो आप ये चीज देखते हो कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सब में आता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको पता है कि सारे चैप्टर्स जो कि ये होते हैं आपके, जैसे कि मैं आपको बात करूँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपके सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, टाइम एंड स्पीड, HCM, LCM, बार ग्राफ एंड जो आपकी DI होती है। तो ये चीजें आपकी आती हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसके अंदर ये जो चीजें आती हैं इसके अंदर, ये आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो CHSL की हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, तो आप उससे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मतलब इनफ है। और जहां तक आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज नोट करने वाली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि आपका जो पेपर का लेवल है वो इजी से लेके मॉडरेट आएगा। इजी से लेके जो आपका पेपर है वो आपका मॉडरेट लेवल का आएगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कि पेपर बहुत हार्ड आएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स आप किससे क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि आप बुक ही पूछ रहे थे कि हम बुक कौन सी प्रेफर करें, तो देखिए मैं आपके लिए एक बुक बता देता हूँ, आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स, सारे टीचर अच्छे होते हैं, टीचर्स के बीच में कभी कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिसका आपको समझ में आ रहा हो। कभी कभी होता है आपको एक टीचर अच्छा लगता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो समझ में नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज एक टीचर से पढ़े, जिसका आपको जिसमें समझ आ रहा है, जिस चीज से समझ में आ रहा है आप उससे पढ़िए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल कंसल्ट करनी चाहिए। और स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करिए, यानी कि पूरा 1 मंथ, यानी कि अगर आपके पास अभी तो कोई नोटिस नहीं आया, तो आपके पास ये मान के चलिए आपके पास 2 से 2.5 महीने है, 2.5 मंथ्स है। तो आप अपने क्या करिए, पहले 1 महीना बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर 1 महीना आपको क्या करना है नेक्स्ट मंथ, आपको फिर क्या करना है प्रैक्टिस सेट देने, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी एफर्ट मिल जाएंगी, मैं आपको खुद प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन 100, 200, 150, तो उनसे आप एनालाइज कर सकते हैं। और जो आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे जो आपको, और आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी जो आपको डे टू डे बेसिस पे या फिर रोज आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है। कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, भले ही 10, 20, 50 रुपए, तो आप वो पे करके ले सकते हैं। आप बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आप वहाँ पे ये डालिए कि आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और वो एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही देखना, यानी कि आप CHSL वगैरह के क्वेश्चन जिसमें हो वो इनफ है, CHSL क्वेश्चन, उससे ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये बात होगी इस चीज की, आपको मतलब टेस्ट सीरीज लगानी है सेकेंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके जो टॉपिक है, जो DD के अंदर जो मेन टॉपिक है, यानी कि अब आपकी जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस, आपको मैं एक बुक बताऊंगा, आप सभी ल्यूसेंट पढ़ते होंगे, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा बड़ी लगती होगी, लेकिन ल्यूसेंट के अलावा आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, GS की जो बताऊंगा मैं आपको, मनोहर पांडे की बुक आती है अरिहंत की, मनोहर पांडे, ओनली 30 रुपीज की बुक आती है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं।
क्योंकि उसके अंदर 100 टू 105 पेजेस होंगे और वो बहुत है, इनफ है, वो इनफ है 105 पेजेस पढ़ने में। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपको ये मान लीजिए 20 से 25 दिन लगेंगे एक बार पढ़ने में। कभी भी जी को याद मत करना पढ़ना, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो आपको बताने वाला हूँ, रदर देन रीडिंग 4 to 5 बुक्स, रीड 1 book बट फॉर मेनी टाइम्स, ठीक है। एक बुक को पढ़े, अच्छी तरह पढ़े, बार बार पढ़े, जिससे कि आप उसका कोई क्वेश्चन आ जाए तो उठा के कर दे, ठीक है। तो आप एक ही एक चीज ये ध्यान रखना, तो आप जीएस की मनोहर पांडे खरीद सकते हैं, आपके कोई सी भी स्टेशनरी भी मिल जाएगी या फिर कोई भी बुक डिपो होगा उस पर मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आपको 30 रुपए की मिलेगी, बस ऑनलाइन जीए भी चल लेते हैं, तो आप बाहर से खरीद लें जो आपके आसपास है वो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। जीएस उससे पढ़े, पक्का आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस में उसमें कंप्यूटर नॉलेज भी होती है, बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज आती है। बस आप एक ऐसा करना, जैसे कि आपको पटवारी के लिए पता होगा, उसके सेकंड स्टेज के लिए फिलहाल, लेकिन सेकंड स्टेज का मैं भी ज्यादा बताऊंगा नहीं, वहां पे क्या है आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे एमएस वर्ड पे, जो शॉर्टकट्स होते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो वहां पर आपको उस टाइम पे बता दूंगा। फिलहाल आप बेसिक कंप्यूटर, बेसिक फंडामेंटल आप उस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस बुक में आपको कंप्यूटर की नॉलेज मिल जाएगी। 105 पेजेस हैं, ज्यादा पेजेस नहीं है, छोटी भी आप जल्दी पढ़ भी लोगे, ठीक है। तो जीएस का यहाँ हो गया, और रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, कम से कम आपको 2 घंटे तो पढ़ना है अगर आप जीएस पे वीक है, 2 घंटे, ठीक है। और मैथ्स आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़नी है, ठीक है। और आप जिस चीज में अच्छे है ना वो थोड़ा आप कम दे सकते हैं, और जिस चीज में वीक है उसमें आप उतना टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है आपका, जीएस हो गई आपकी, उसके बाद हम यहाँ बात करने वाले इंग्लिश। इंग्लिश सबका देखिए मेन इशू रहता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगा कि देखिए अगर आप एरर डिटेक्शन में, ग्रामर में इतने स्ट्रांग नहीं है तो आप वोकैब का पार्ट अपना स्ट्रांग कीजिए। डेली वोकैब्स होती है, डेली आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल मिल जाएंगे जो रोज आपको वोकैब्स कराते हैं एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराते हैं, तो आप मेनली वो कैसे फोकस कीजिए, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके सिनोनिम्स, आपके एंटोनिम्स, ठीक है, और आपके idioms, वन वर्ड फ्रेजेस, आप इन पे फोकस कीजिए। आप रोज रोज कम से कम 30 वर्ड्स याद करेंगे तो एक मंथ पे कितने होंगे, 900, ठीक है। 30 वर्ड्स याद करते हो 900 होंगे, प्लस में आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए ग्रामर की और बेसिक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए 900, और उसके बाद आपके पास अगर आप 2 महीने में तैयारी करते हैं तो आप 1800 चीजें करके जा रहे हो, और वो एग्जाम ये तो है नहीं कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कराओगे अगर इतनी तैयारी से, लेकिन इतना है कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे, आपका सेकंड स्टेज में नाम आ जाएगा। बस आपको धीरे धीरे प्रिपरेशन करते जानी है, जहां से आपको ज्ञान मिल रहा हो ना वहां से ले लेना चाहिए, कभी भी ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, सारे टीचर अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस समझने वाले बच्चे के ऊपर बात है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं जो फाइनल चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, वो रीजनिंग के ऊपर है। देखिए रीजनिंग ये नहीं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होती है प्रैक्टिस से, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप जो सेकंड मंथ में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, बस आपको मिरर वगैरह की थोड़े बहुत और आपको डाइस वगैरह के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और डायरेक्शन का पता होना चाहिए, बाकी आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको मैं कुछ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा अगले आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। और सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो आप याद ये ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चंस करें ना, जब आप क्वेश्चन पेपर करें, यानी कि आपको कम से कम ये मान के चलिए कम से कम 50 पेपर तो देने हैं, 50 पेपर देने हैं टोटल फॉर आपको डीडीए के लिए, 50 पेपर आपको कम से कम आने चाहिए, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो फाइनल डेज में आपको पेपर लगाते रहना है, ठीक है। तो 50 पेपर में आपको रीजनिंग के हर एक पेपर 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 1250 से 1300 क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर लोगे, और आपको एनालाइज भी करोगे, उनको एनालाइज करोगे, आपको आंसर भी मिलेंगे, तो आपको वहां से गलती अपनी पकड़ते रहोगे तो वो आपकी बन जाएगी, और रीजनिंग सबसे बन जाती है, बस टाइम का फर्क होता है, कोई कोई टाइम कम लेता है, कोई टाइम ज्यादा लेता है, बस आपको आपका उसमें क्या होता है, टाइम का फर्क होता है। और आप एक चीज ध्यान रखिए, अब आप जब रीजनिंग करेंगे ना तो थोड़ा बहुत उस पर दिल्ली पे फोकस करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एग्जाम है वो दिल्ली में होने वाला है, और एक चीज ध्यान रखना, तो आप ज्यादा दिल्ली पे फोकस करना, और जैसे कि जीके में ना आप जनरल साइंस पे ज्यादा फोकस करा करो, क्योंकि आजकल जनरल साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन बन जाते हैं, और हिस्ट्री में अगर अभी भी रिसेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री प्रेफर कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी वगैरह, जो कि मतलब जब अंग्रेज का द एडवेंट ऑफ जब इंग्लिश मैं हुआ था वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। एंड आप करंट इवेंट पे ज्यादा फोकस करें, करंट इवेंट पे रोज करंट अफेयर पढ़ा करें रेगुलर बेसिस पे, और क्विज क्विज लगाए करें रेगुलर मार्किंग पे,
एंड एक चीज जनरल साइंस देखी इन्होंने, पता बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स, इम्पोर्टेंट रिवर्स, इम्पोर्टेंट डैम्स इन इंडिया, और आपको पता है कि फॉरेस्ट जितने भी हैं, और जो मेन चीज मैंने आपको जो बताई है, दिल्ली के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, दिल्ली की कल्चरल हिस्ट्री, दिल्ली के हेरिटेज के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, बस आपको इतनी प्रिपरेशन से पक्का आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड जो भी आपका डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं तुरंत हाजिर रहूंगा आपको और हर एक चीज का आंसर दूंगा। तो प्लीज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन बाय विच यू कैन रिसीव द अपडेट एज सून एज वी अपलोड एनी वीडियो। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली, गुड बाय।